सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आंटी जी, एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का बज रहा है 5:15 और मैं आप लोगों को रेडी दिख रही हूँ। मैंने आज फिर यही वाली कुर्ती पहनी जो मैंने अपनी एनिवर्सरी में पहनी थी, और जा रही हूँ एग्जीबिशन में, और आप लोगों को भाभी से भी मिलाऊंगी। सभी लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, देखिए भाभी भाग गई। ये है आकर्षित, भाभी के बेटे और मेरे भतीजे, और ये महिमा और वो भाभी। भाभी मेरे सारे ब्लॉग देखती, देखते हो मेरे ब्लॉग? आकर्षित मेरे ब्लॉग देखते हैं, और इनको देख लीजिए, ठंड लग रही है तो कैसे लेटे हैं, दो दो ब्लैंकेट ओढ़ के। ठंड फिर से बढ़ गई है बहुत ज्यादा। और नैतिक भी रेडी हो चुके हैं, हम सब लोग रेडी हैं बस जाने के लिए घूमने, एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर लगी हुई है एक्चुअली, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी हम लोगों की, और भाभी को भी घुमा दूंगी। वैसे तो भाभी कानपुर से आई है, वो खुद हम लोगों को घुमाती है, बट कभी कभी ना छोटी मोटी एग्जीबिशन भी देखनी चाहिए। तो मैंने अपना पर्स ले लिया, ये रही मेरी स्टॉल, क्योंकि कान बांध के जाऊंगी, और ये देखिए छोटी मोटी एग्जीबिशन भी देखनी चाहिए करेंगे इनसे। आप लोग सुन ही रहे हो, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को, तो बस देखिए आकर्षित को, चाहे आकर्षित कर रहती को, बेचारी महिमा की मट्टी पलीद करते रहते हैं ये लोग, बहुत परेशान करते हैं। और चीकू ढके हुए हैं बिल्कुल, ठंड बहुत ज्यादा है, और चीकू को आकर्षित से डर लगता है, आकर्षित उसको परेशान कर देते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलूंगी, दिखाऊंगी अपने यहाँ की एग्जीबिशन। और आज यहाँ तखत में भी एक गद्दा डाल रखा था, कुशन हो तक की रखी है। और ये भैया भी आ गए, भैया हाय कर दो, भैया भी आ गए हैं, हम सब बस जा रहे हैं। भैया लोग नहीं जाएंगे, ये लोग सब घर पे रहेंगे, हम लेडीज लेडीज और बच्चा पार्टी जाएंगे केवल। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे एग्जीबिशन में, और ज़्यादा दूर घर से नहीं थी वैसे तो, लेकिन हाँ बच्चे वगैरह साथ में रहते हैं तो दूर लगता ही है। तो ये देखिए आगे सब लोग, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, और बहुत अच्छा अच्छा सामान था ऐसे, इसमें कुछ लाई नहीं थी, जो भी लाई हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत चीज़ें थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, स्टॉल वगैरह, शॉल, ठंड में ठंडी के कपड़े वगैरह ज़्यादा रहते हैं वैसे, यही सभी एग्जीबिशन में ठंड के ही जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं यही सब ज़्यादा होते हैं, शॉल वगैरह, वूलन स्वेटर वगैरह, कुर्ती वगैरह, यही सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और रजाइयाँ वगैरह भी थी काफ़ी अच्छी अच्छी तो, और ये वाली जूतियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, पर पता नहीं क्या मैं भूल गई थी, अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मैंने देखा कि मुझे ये था कि वापसी में मैं इस दुकान में आऊँगी और इससे जूतियाँ देखूँगी, बट मैं भूल ही गई थी अभी जब एग्जीबिशन, वो सॉरी, मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे याद आया। और ये ब्लैंकेट्स थे जैसे मैं बिछाती हूँ उस तरह के थे, और बेडशीट वगैरह सब थी, उलन रजाई वगैरह थी, ये देखिए रजाइयाँ रखी हैं, बहुत प्यारे प्यारे सामान थे। और उसके बाद फिर मैं ये पर्स वाली शॉप में आ गई थी, और यहाँ से ही मैंने एक पर्स भी लिया है जो मैंने आप लोगों को लास्ट में दिखाया है, कि बस ये जो यहीं पे जो महिमा रखे हाथ यहाँ पे, बस यहीं से ही मैंने एक पर्स लिया है। बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे, एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले भी बहुत अच्छे अच्छे थे। एक शॉप जो थी वो तो पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली थी, ये वाली शॉप इसमें सारा एम्ब्रॉयडरी ही था। तो देखिए ये जो ये बैग वगैरह थे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये हैं कुशन कवर, ये भी हैंड वर्क थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। बेडशीट भी थी इनके यहाँ बहुत प्यारी, और एक ये वहाँ पर लगी हुई थी वुडन के जो क्राफ्ट वगैरह होते हैं उसकी चीज़ें थी, पेन स्टैंड और यही दीवार में लगाने वाले काफ़ी शो केस वगैरह, और बहुत ये देखिए एक बल्ब लगाने की लाइटिंग में कितना प्यारा लग रहा है ना, पोर्च वगैरह में लगा दो तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये सारा चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, फ्लावर पॉट वगैरह सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और बस ये था ना, लेकिन एग्जीबिशन थोड़ा बहुत सामान महंगा मिलता है, अच्छा तो मिलता है, और एक चीज़ ये होती है कि फिर वहाँ पर चेंज करने के लिए जाओ, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। और ये इयर रिंग्स की दुकान थी, ये इयर रिंग्स मुझे अच्छे लगे थे, बट जो यहाँ के भैया थे शॉप कीपर थे वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रूडली बात कर रहे थे। तो देखिए चीज़ें खरीदने से पहले जो शॉप कीपर होते हैं उनका नेचर ही बहुत बड़ा चीज़ होता है, बट वो रूडली बात कर रहे थे तो फिर हम लोगों नहीं लिए थे। बट ये वाले इयर रिंग मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे,
मुझे था कि मैं एक लूंगी, और बट उनका नेचर मुझे ऐसा लगा। और क्या था ना, उनकी शॉप में ज़्यादा दुकान भी नहीं थी, वो सॉरी भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। और इधर ही बच्चे लोग जिद मचा रहे थे कि मुझे इस झूले में बैठना है, इस झूले में बैठना है। तो यहाँ पर इन दोनों को बिठा दिया था, और थोड़ी ही देर, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 राउंड ही इन लोगों ने इसमें मारे, और बोल दिया रुकवा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुकवा दो, और तुरंत उतर गए थे। शौक तो बड़ा था इन बच्चों को कि नहीं मुझे बैठना है, बैठना है। बट ऐसे ये लोग इतना ठीक से बैठे नहीं थे जितना मैंने आप लोगों को दिखाया, ये लोग समझ लीजिए सिर्फ इतना ही बैठे थे। तुरंत ये लोग बोलने लगे थे, वो तो थोड़ी बहुत देर तो हम लोगों ने जिद मचाई कि नहीं 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 बैठो बैठो। और उसके बाद ये भेलपूरी वगैरह हम लोग बनवा रहे थे, और ये टिक्की, टिक्की यहाँ की बहुत अच्छी थी। पहले मैंने एक बनवाई कि टेस्ट करके देखती हूँ, जब अच्छी लगी तो हम तीनों लोगों, मतलब 3 टिक्कियाँ बनी, फिर सबने खाई, बहुत टेस्टी टिक्की थी, थोड़ा सा यूनिक थी। ये राजस्थानी लोग जो होते हैं वो लोग थे, बहुत अच्छी बना रहे थे। और हम लोगों के यहाँ मटर वगैरह डाला जाता टिक्की में, इनके यहाँ मटर वगैरह नहीं थी, बोलो ये लोग छोला वगैरह डालकर बना रहे थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने आके कोई वीडियो नहीं बनाया था, और नेक्स्ट डे भाभी लोग जाने लगी थी तो मैं वीडियो बना रही थी, भाभी बोली देखो इसको, इसने शुरू कर दिया अपना। तो भाभी देखिए हमारे यहाँ जो होता अच्छा लगता है, कोई भी आता है तो भैया भाभी सब जा रहे हैं, और आकर्षित इस समय उससे गुस्सा हो चुके थे, बोल रहे थे मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर भैया बैठे हैं बिट्टो को लेके, और ये भी हैं, और भैया ने भी जाने की बिल्कुल तैयारी कर ली है, बस भाभी जा रही हैं गाड़ी में बैठने। और इस समय तक आकर्षित खुश हो चुके थे, तो मैंने कहा बेटा जाते जाते बाय तो कर दो। और आप लोगों को मिट्टू की आवाज आई, कितना प्यारा बोल रहा है, उसको लग रहा है ये मैं तुम्हारे उससे ये बात कर क्या रही हूँ। कर रहे हैं, आपस में बातें कर और रहे हैं ये क्या? आकर्षित दो पप्पी रखे हुए, तो मैंने कहा ये अच्छा आपस में बात कर रहे हैं क्या आकर्षित? तो आकर्षित बोल रहे थे हाँ बुआ ये बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भाभी भी जाने की तैयारी कर चुकी हैं, बस बैठ रही हैं, जा रही हैं। कोई आता है तो कितनी खुशी होती है, बट जब कोई जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा खराब लगता है, घर का खाली खाली सा लगने लगता है। तो चलिए अब इन लोगों को कर देते हैं बाय बाय, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो उसके भाभी लोग चली गई हैं, और ये देखिए बिट्टो को खिलाने लगे थे, थोड़ी देर बाहर ही थे तो बिट्टो को भी हम लोग खिलाने लगे, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, और बिट्टो देख भी रही थी, खेल भी रही थी। बिट्टो को कैमरा बड़ा अच्छा लगता है, देखिए आप लोग फ़ोन की तरफ ही देखती रहती है, उधर भाभी भी खड़ी हैं। फिर हम लोगों ने इस जगह काफ़ी, भैया लोगों के जाने के बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे थे, मूंगफली वगैरह यहीं पर बैठ के खाई थी। और देखिए बिट्टो की मस्ती, बहुत अच्छे से खेलती है, बहुत अच्छा लगता है इसको खेलने में, इनको तो छोड़ती नहीं है अगर इनकी गोद में आ जाती है तो। और ये बैठे हैं हमारे छुटकू राम, बस इनको कुछ भी कहो ये सीधे हंस देते हैं, सीधे स्माइल दे देते हैं, तुरंत कुछ भी कहो तुरंत स्माइल दे देता है। तो चलिए फिर आप लोग एंजॉय करिए मेरे वीडियो को, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। गुड इवनिंग एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो आज नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और भाभी चली गई हैं, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और हुआ क्या था कि भाभी के जाने के बाद फिर ना मैं सो गई थी थोड़ा सा लेट के, पता है ना जब कोई आता है घर पे तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब कोई जाता है तो एक अजीब सा मन होता है ना, आने में एक अलग सा उत्साह होता है कि हाँ भाई आ रहे हैं, भाभी आ रही हैं, बट जब कोई जाता है तो थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उनको भी जब वो घर पहुंचे होंगे तो थोड़ा सा खाली खाली लगा होगा, तो उसी तरह से हम लोगों को भी लगा था। और कल एग्जीबिशन गई थी, आप लोगों को बताया था, बट वापसी में ना बिल्कुल बात करने का टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था, 7:45-8 बजे हम लोग घर आए थे, बहुत टाइम कल हम लोगों ने लिया, वहाँ पे घूमा, खाया पिया, ऐसे सामान तो कुछ नहीं लिया था, थोड़ा बहुत ही सामान लिया, जो लिखा मैं यहाँ पर रख ली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों के लिए ज़्यादा लिया था, और आकर्षित तो अपना सारा जो सामान था वो लेके चले गए जो आकर्षित ने लिया था, बट जो इन लोगों के पास है नैतिक महिमा के पास, जो मैं थोड़ा सा अपने लिए लेके आई थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ नैतिक का सामान कि नैतिक ने अपने लिए क्या क्या लिया है। तो नैतिक बच्चों का क्या है, बच्चे इरेजर पेंसिल ज़्यादा लेते हैं, तो ये है एक आइसक्रीम वाली इरेजर, तो ये नैतिक ने ली है।
और एक ये शॉर्पनर लिया है, ये सिप वाला शॉर्पनर, ये ओपन हो जाता है इस तरह से है ये, और ये यहाँ से पेंसिल छीलेगी, शॉर्पनर है ये, और इरेजर ही ना इतनी ज़्यादा लिए हैं, एक ये है नतिक इरेजर, सब पैकेट के अंदर है, मैं खोल नहीं रही हूँ ऐसे ही दिखा रही हूँ। एक ये है, ये क्या बोलते हो इसको, प्लेन है, जेट 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 के तरह का है। और नैतिक ने एक बनवाई है, ये की रिंग अपना नाम लिखवाया है, ये गन में बनवाई है नैतिक ने, देखिए अच्छी लग रही है, जगुआर भी है। जैगुआर भी इसमें बना है, नैतिक बता रहे हैं जैगुआर भी बना है इसमें, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं थी, 40 रुपीज में वो भैया बना कर दे रहे थे, तो हम लोगों ने बनवा ली थी, मैंने भी बनवाई है, और जो ये सारी इरेजर वगैरह है नैतिक की सब 10-10 रुपीज की थी, तो ये ले आए थे, और बस नैतिक का तो इतना ही सामान था। और मैं दिखाती हूँ महिमा का, तो महिमा लेकर आई है ये बैग अपने लिए, उसका बहुत दिन से लेने का मन था बट वो ले नहीं पा रही थी, तो ये बैग महिमा ने लिया है, मुझे भी अच्छा लगा, मियाऊ लिखा है इसमें, तो बच्चों को होता है शौक, नैतिक को इतना शौक नहीं बट हमारी महिमा को शौक है, तो ये बैग महिमा ने लिया था, और महिमा ने कुछ नहीं लिया था क्योंकि महिमा का ये था, महिमा को रबड़ वगैरह नहीं चाहिए थी, और ये महिमा ने की रिंग महिमा ने भी बनवाई थी, तो महिमा ने ये लीफ में बनवाया था, अपना नाम लीफ में लिखवाया था, और सेम इसी तरह का आकर्षित ने भी बनवाया था, उसने अपने उसमें आकर्षित लिखवाया था, इसी लीफ में बनवाया था, और जितना ये इरेजर वगैरह नैतिक के पास है उतनी ही सारी इरेजर वगैरह आकर्षित के पास भी है, और ये महिमा ने अपने नाम का बनवाया था, बस महिमा ने ये दो चीज़ें ली थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी चीज़ें, मैंने भी केवल दो ही चीज़ें ली हैं जो भी मुझे ज़रूरत थी, मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये क्यूट सा एक बैग, इसमें लगा है ये पॉम पॉम, और ये इतना सॉफ्ट है ना, तो ये बैग मुझे अच्छा लगा और मुझे लेना भी था, मेरे पास था भी नहीं, मतलब था तो बट मेरा मन था, मुझे अच्छा लग गया, इसमें ब्लैक कलर भी था, कई कलर थे बट मुझे यही कलर अच्छा लगा, तो मैंने यही कलर ले लिया था, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, और बड़ा इजी है, कहीं भी जाओ तो इजीली इसको कैरी भी कर सकते हैं, और मैंने चीकू के लिए भी लिया है, आखिर चीकू भी तो है घर पे, वो लड़ेगा नहीं मेरे लिए कुछ नहीं लिया, तो चीकू के लिए मैंने ये लिया है, ये टैप में ना पानी के टैप में लगा दो तो यहाँ से पानी का जो फ्लो सार सार बन के आता है सावर से, मैं चीकू को नहलाने के लिए, अभी तो ठंडा के नहीं नहलाऊंगी बट जब गर्मियों में चीकू नहाएगा ना तो इसी से चीकू नहाया करेगा, इसमें लगा के बहुत अच्छे से, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं ऐसे से, ऐसा नहीं है कि नहलाने के लिए, आप बाथरूम के टैप में, किचन के टैप में, बेसिन में, सिंक में, जहां आप लगाना चाहें वहां आप लगा सकते हैं, तो ये मैं चीकू के लिए लेकर आई थी, और मैंने भी अपने लिए एक की रिंग बनवाई है बट मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज हम दो लोग हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, तो मैंने हम दोनों लोगों का नाम लिखवाया है, मैं बहुत प्यारी है ये देखिए हमारा और इनका नाम लिखा हुआ है इसमें, बट ना मुझे एक ये चीज़ लगी, इसकी जो ये चीज़ थी हैंगर, उसका यहाँ पर देना चाहिए ताकि ये बीच में होता, बट ये ऐसे आएगा ऐसे, बट अच्छा लग रहा है, उन्होंने लिखा भी है हल्का सा साइड से, और बहुत ही इजीली वो लोग लिख दे रहे थे, तो बस यही थी मेरी छोटू सी शॉपिंग, और आप लोगों को मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर किया करिए, इतने लोग देखते हो, अरे यार एक एक कमेंट में क्या टाइम लगता है, कमेंट किया करो, बताया करो सब लोगों को, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, जरूर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, कल से स्टार्ट कर दिया, आवाज़ का एंड कर देती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।